पर हम बात करने वाली हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो आज न्यूज इस चैनल पर जुड़े होंगे जिनको नहीं पता होगा कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी क्या है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी यहाँ से मिल सके। अब बात कर लेते हैं जो भी स्टूडेंट्स बिना एग्जाम दिए DMLT कोर्स करना चाहते हैं यूपी के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से, या एक्सरे टेक्नीशियन या फार्मेसी, या आप सीटी स्कैन और MRI या OT टेक्नीशियन, इस प्रकार के कई डिप्लोमा कोर्स जो यहाँ पर कराए जाते हैं, यदि आप बिना एग्जाम दिए मेरिट बेस यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर 10th और 12th के नंबरों के आधार पर आपका एडमिशन होता है, किसी प्रकार का कोई आपसे एग्जाम नहीं लिया जाता है। इसकी परसेंटेज 10th की परसेंटेज और 12th की परसेंटेज देखी जाती है, यदि आपकी अच्छी परसेंटेज है तो आपका आराम से यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज जुड़े हुए और कैसे आप इसकी वेबसाइट तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी सर्च करना है। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो पहले ही नंबर पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसकी वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहीं से आपको पता चलेगा कि फॉर्म कहाँ से कैसे भरा जाएगा और इसी वेबसाइट से पूरी जानकारी आपको इससे संबंधित मिलती है, काउंसलिंग कैसे होती है, कब होती है, सब कुछ यहीं पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे कि इसकी वेबसाइट बता दो, तो वेबसाइट हमने आपको दिखा दिया। अब बात कर लेते कि इसके फॉर्म के लिए आपको कितना इंतजार करना पड़ेगा, इससे कौन कौन से कॉलेज जुड़े हुए हैं। तो देखो यहाँ पर आपका KGMU यूपी का टॉप गवर्नमेंट कॉलेज माना जाता है, बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज माना जाता है यूपी का। KGMU कॉलेज जुड़ा हुआ है आपका, राम मनोहर लोहिया कॉलेज जुड़ा हुआ है, GSBM कॉलेज कानपुर का। बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स ये तो कराते हैं, लगभग हमारे हिसाब से 12-13 डिप्लोमा कोर्स ये कराते हैं, पिछली इन्होंने कराए हुए थे। साथ ही साथ आपका UPMS सैफई का कॉलेज यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के कई गवर्नमेंट कॉलेज जुड़े हैं जो डिप्लोमा कोर्स कराते हैं, वो भी बिना एग्जाम के। ये सभी कॉलेज के लिए एक ही फॉर्म आता है, वो भी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पर आपको भरना होता है, और एक ही फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म आपके नहीं आते हैं, ठीक है। और मेरिट बेस यहाँ पर एडमिशन होता है, किसी प्रकार का एग्जाम नहीं। अब बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म आप कब तक आ सकते हैं, कितना इंतजार और करना पड़ेगा। तो देखो अभी जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, जो जिनकी लास्ट ईयर है वहाँ पर, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं और उनकी लास्ट ईयर है इसी साल, उन बच्चों के किसी किसी कॉलेज में अभी एग्जाम नहीं हुए, लास्ट ईयर वाले लास्ट एग्जाम उनके नहीं हुए। जब तक उनके एग्जाम नहीं हो जाएंगे तब तक आपके फॉर्म नहीं आएंगे, क्योंकि जब वो निकलेंगे तभी तो आपको वहां पर जगह मिलेगी। कहीं कहीं हॉस्टल भी है, हॉस्टल जब खाली होगा तभी आप भी वहां पर रह सकते जाके। तो इसी वजह से इसके फॉर्म जो है वो लेट हो रहे हैं। हो सकता है ऐसा लग रहा था कि अभी 15 अगस्त तक आपके फॉर्म आ जाएंगे, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि फॉर्म आपके 15 अगस्त तक आएंगे। अब आपको इंतजार और भी करना पड़ेगा, इंतजार कितना, तो हमारे हिसाब से आपको लास्ट अगस्त तक चलना पड़ेगा, लास्ट अगस्त तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, तभी कहीं आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे। यहाँ पर फॉर्म से संबंधित कोई जानकारी अभी नहीं दी हुई है, यदि आपको यहाँ पर कोई अपडेट आती है तो वो आपको बता दी जाएगी, लेकिन आप अभी धैर्य रखिए, थोड़ा वेट करिए, लास्ट अगस्त में कहीं इसके फॉर्म आएंगे। तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखिए। जो OBC वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर नया बनवा लें। कास्ट सर्टिफिकेट आपका 6 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका मान्य नहीं होता फिर, ठीक है, क्योंकि वो 6 महीने के अंदर का मांगते हैं। तो OBC वाले अपना नया बनवा लें, और जिनके पास EWS है वो भी अपना 1 साल से उनका पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तभी आप उसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो आप इंतजार करिए थोड़ा, और हो सकता है कि आपके लास्ट अगस्त 20 या 25 के करीबन आपको फॉर्म देखने को मिल जाए, लेकिन हम अपने अंदाज से बता रहे हैं, जब तक उनके पेपर नहीं हो जाएंगे तब तक आपके फॉर्म नहीं आएंगे, ये बात बिल्कुल निश्चित है, ठीक है। तो चलिए ये जानकारी हमें देनी थी, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करना। बहुत सारी वीडियो इससे संबंधित डली हुई, कट ऑफ कितनी जाती है, कौन कौन से कॉलेज है, पहले से वीडियो चैनल पर डली हुई है, ठीक है। तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे आपको आगे की अपडेट जो भी आए उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी संबंधित वो आपको लगातार मिलती रहे। और चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।